हमारा देश आगे बढ़े लेकिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, उसके लिए अब देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हमने हाई जंप लगाने पड़ेंगे, हमने छलांग लगानी पड़ेगी, हमने हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा। भारत को ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में मिलाने के लिए हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ओर भी जाना पड़ेगा। और कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी लिखे, लेकिन सामान्य मानवी का सपना अच्छी व्यवस्थाओं का होता है। अच्छी चीज उसे अच्छी लगती है, उसे उसमें रुचि बनती है। और इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने हो, बस स्टेशन बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, चाहे आधुनिक अस्पताल बनाने हो, चाहे विश्व स्तर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी इन सभी चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देश में सी पोर्ट के लिए भी आवश्यकता है, समान जीवन का भी मन बदला है, हमने इसको समझना होगा। पहले एक जमाना था कि अगर कागज पे सिर्फ निर्णय हो जाए कि एक रेलवे स्टेशन फलाना इलाके में बनने वाला है, तो महीनों तक, सालों तक एक सकारात्मक गूंज बनी रहती थी कि चलो हमारे यहां नजदीक में अब नया रेलवे स्टेशन आ रहा है। आज वक्त बदल चुका है, आज सामान्य नागरिक रेलवे स्टेशन मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो तुरंत पूछता है वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इलाके में कब आएगी, उसकी सोच बदल गई है। अगर हम एक बढ़िया से बढ़िया बस स्टेशन बना दें, 5 स्टार रेलवे स्टेशन बना दें, तो वहां का नागरिक ये नहीं कहता है शाबाश बहुत बढ़िया काम किया है, वो तुरंत कहता है साहब हवाई अड्डा कब आएगा। यानी अब उसकी सोच बदल चुकी है। कभी रेल के स्टॉपेज से संतुष्ट होने वाला मेरा देश का नागरिक बढ़िया से बढ़िया रेलवे स्टेशन मिलने के बाद तुरंत कहता है साहब बात की तो ठीक है, हवाई अड्डा कब आएगा। पहले किसी भी नागरिक को मिले तो कहता था कि साहब पक्की सड़क कब आएगी, हमारे यहां पक्की सड़क कब बनेगी। आज कोई मिलता है तो तुरंत कहता है साहब 4 लेन वाला रोड बनेगा कि 6 लेन वाला, सिर्फ पक्की सड़क तक वो सीमित रहने के लिए उसकी सोच। और मैं मानता हूं आकांक्षी भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है।